हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को क्लास दसवीं के विज्ञान का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का आज पांचवा दिन है। और इस पांचवे दिन में आज आप लोगों को अपवर्तनांक का आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इस सॉल्यूशन में आज आप लोगों को तीन प्रश्नों को सॉल्यूशन बताने वाले है। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न, लिखा हुआ है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ पर समझेंगे कि एक को एक कांच है और इस कांच में है से इसका इस कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.50, ठीक है ना। तो इसमें जब प्रकाश प्रवेश करता है तो प्रवेश करने पर है से कांच में प्रकाश की चाल कितना है, जिस पर है से कांच की प्लेट में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तनांक 1.50 है, जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने से पहले यहाँ पर जो मान दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश में वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ पर mu से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो mu बराबर 1.50, अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल या वस्तु में प्रकाश की चाल को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपवर्तनांक सूत्र से हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे mu बराबर, ठीक है ना, mu बराबर होता है c/v, क्या होता है c/v। तो अब इस सूत्र में क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। तो अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया है 1.50 बराबर c, यहाँ पर दिया है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी c के मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, बटा होता है भी ना, तो भी के मतलब हुआ यानी वस्तु में या कांच में प्रकाश की चाल। तो भी हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 1.50 तरफ हम लोग अपने से हर में एक मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.50 से भी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.50 भी बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यानी भी बराबर 3×10⁸। अब यहाँ पर देखिए 1.50 भी के साथ में क्या है, गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में है तो बराबर के दाहिने ओर आएगा 3×10⁸ तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, भागा के रूप में होगा यानी बटा में, ठीक है ना। तो 1.50 यानी 5 ही लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर 3 में एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है ना, 3 में क्या होगा, एक जीरो बैठ जाएगा यहाँ पर। तो 30×10⁸ हो गया इस तरह से, तो 15 एकम 15, 15 × 30, दो बार में डिवाइड हो गया, यानी भी बराबर कितना आ गया 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कांच में प्रकाश की चाल कितना आया, 2×10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, दूसरा लिखा हुआ है, प्रकाश वायु से हीरे में प्रवेश करती है, प्रकाश ऐसे हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक है 2.42 ना, यानी 2.42 है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें, यानी हीरा में प्रकाश का वेग या चाल ज्ञात करें। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। तो चलिए ये भी प्रश्न पहले वाले प्रश्न जैसा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक यहाँ पर कितना दिया है, तो 2.42, ठीक है ना। इसके बाद सी कितना दिया है, यानी प्रकाश यानी निर्वात में प्रकाश की वेग या चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग को फिर क्या फाइंड आउट करना है, भी बराबर, ठीक है ना। तो भी बराबर वाट। अब अपवर्तनांक सूत्र से यहाँ पर हल करेंगे तो एम यू बराबर क्या होता है, सी बटा भी, ठीक है ना, सी बटा भी। अब ये सभी में मान पुट करेंगे तो अपवर्तनांक कितना दिया है, 2.42 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है 3×10⁸ बटा हीरे में प्रकाश की वेग, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। अब यहाँ 2.42 में हर में हम लोग एक मान लेंगे अपने से, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2.42 से भी में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, तो 2.42 भी हो जाएगा बराबर 3×10⁸। तो भी इधर ही रहेगा, तो भी बराबर 3×10⁸ बटा, अब 2.42 भी के साथ में क्या है, गुना के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा के रूप में यानी बटा में, तो 2.42, ठीक है ना। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पर दो गो जीरो बैठ जाएगा, ठीक है, तीन के पास, ठीक है ना। तो 242 से हम लोग 300 में जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 1.24 बार में, ठीक है ना। तो यानी भी बराबर क्या आ जाएगा, 1.24×10⁸, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया हीरा में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग 1.24×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, तीसरा लिखा हुआ है, प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर मान जो दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर अपवर्तनांक क्या है, 1.33, और इसके बाद सी कितना दिया है, यानी वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोग को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए अपवर्तनांक सूत्र से हल करते हैं, तो यू बराबर क्या होता है, सी बटा भी, ठीक है ना, सी बटा भी। अब यहाँ पर अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो जल में प्रकाश की चाल को हम लोग भी से लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.33 है से भी के साथ में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.33 भी बराबर 3×10⁸, ठीक है ना। जब भी इधर ही रहेगा तो 3×10⁸, अब ये 1.33 भी के साथ में क्या है, गुना में, तो बराबर के दाहिने तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा के रूप में, तो 1.33, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर तीन के में कितने जीरो बैठ जाएगा, दो जीरो बैठ जाएगा, ठीक है ना, तो दो जीरो बैठेगा।
तो अब कितना हो जाएगा 300 गुने 10 के पावर 8 बटा 133। तो 133 से हम लोग क्या करेंगे 300 में डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो 133 से 300 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका भागफल 2.26, ठीक है ना 2.26। तो यहां पर हो जाएगा v बराबर 2.26 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की वेग या चाल, ठीक है ना, कितना आ गया 2.26 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों अब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।